क्या है इसके बारे में बताइए, तो शायद आप सोचोगे यहाँ पे आगे क्या बोलूंगा, है ना। देखिए कुछ आपको इस तरीके से समझाया जाए कि कोई भी कहानी सुना के कि अब इस कहानी को आप दोबारा सुनाइए, बड़ी जल्दी अच्छी तरह याद होगी। 3 घंटा ब्रेक देते हैं, पूरी कहानी एक सब सुन लीजिए। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक सीन की बारीकी से भगवान को लेकर समालोचना करते हैं। तो ये चीजें मैं 5-10 वर्ष ये शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है, क्या कुछ है आपने निरीक्षण भी किया है? ये सेवाकालीन प्रशिक्षण चल रहा है जो माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति जो है 2020 उसके कुछ कंपोनेंट हैं, उसका प्रशिक्षण है। तो कितने दिनों का था और कब समाप्त होगा और इसके बाद इनको कहाँ, ये उसी स्थान पर रहेंगे या इनको कहीं अच्छे प्रशिक्षण दिया तो अच्छे स्कूलों में जाएंगे? ये सभी अभिशालाओं में कार्यरत शिक्षक हैं। ये 5 दिन का सेवाकालीन प्रशिक्षण है। 5 दिन में इनको इनकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, हमारे जो नई शिक्षा नीति है उसके जो कंपोनेंट हैं, पाठ्यक्रम है, किस प्रकार से पढ़ाना है, शिक्षण विधियां हैं, उनको किस टाइप से हमें बच्चों को उसके आधार पर अध्यापन कराना है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। किस कैटेगरी के जो शिक्षक थे, वो अतिथि या फिर वो नियमित वाले? इसमें नियमित और अतिथि दोनों शिक्षकों के प्रशिक्षण है। ये जो प्रशिक्षण है वो माध्यमिक विद्यालय में जो अध्यापन का करा रहे हैं, चाहे वो एक परिसर वाले विद्यालय हो या मिडिल स्कूल हो या हाई स्कूल हो, लेकिन जहाँ पर माध्यमिक शिक्षा लग रही है कक्षा 6 से 8 वाली, उनके शिक्षकों का प्रशिक्षण। children के लिए हमारे YouTube चैनल